हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टू द स्टडी। और थंबनेल पे जैसा आपने देखा होगा, मैंने लिखा था अपने आपके जो चैनल था, ये ए टू जेड स्टडी आपका जो चैनल है, इसको हैक करने की कोशिश की गई। और मतलब ये जो है ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ, मुझे हंसी भी आ रहा है कि हैक करने की कोशिश की गई। चलो सही है भाई, हैक करने की कोशिश की, लेकिन अफसोस कि वो लोग नाकामयाब रहे। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मेरे पास क्या प्रूफ है, मुझे ये जो अटैक्स बार बार किए जा रहे हैं, बाकी बहुत सारे यूट्यूब चैनल को आपने देखा होगा अभी जो हैक रिसेंटली हो गया, उसका क्या रीज़न है और मैं कैसे अपने आप को सेव कर पाया। और आप लोग भी अगर अपने ईमेल्स को सेव करना चाहते हैं, बिकॉज लोग आपकी यूट्यूब चैनल को हैक करते हैं आपके ईमेल के थ्रू, ओके, तो ऐसा नहीं है कोई कि डायरेक्ट आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा, उसके लिए ईमेल पे पहुंचना ज़रूरी है। सो इसका मेन रीज़न क्या है और मैंने कैसे इसका जो है इजिली पता कर लिया, और ये सभी मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो सबसे पहले इसको जानने के साथ साथ एक चीज़ और समझ लेना कि आप अपने आप को कैसे सिक्योर कर सकते हो। सबसे पहले तो फालतू की ईमेल्स पे जो लिंक वगैरह आते हैं ना, तो उससे कहीं क्लिक मत किया करो। फालतू तो ये है, अगर कोई आपका काम का नहीं है तो, ठीक है, मतलब आप स्टूडेंट हो, एज अ कुछ एजुकेशनल फॉर्म वगैरह भर फिल कर रहे हो आप लोग, तो उसका लिंक आ रहा है एक्टिवेट करने के लिए, चलो सही है। कहीं आपने अकाउंट क्रिएट किया है, उसका OTP वगैरह आ रहा है, उसको सही है, यूज़ कर रहे हो आप लोग तो, लेकिन वैसी अनवांटेड चीज़ें जिसकी आपको अपने उसके बारे में जानते नहीं हो। अभी देखो, ए टू जेड स्टडी जो चैनल है यूट्यूब का, उसका एक ब्लॉग भी है a2zstudy.in, ठीक है, मतलब वेबसाइट है इसका a2zstudy.in। अब उसकी जो है ना, मैं आपको यहाँ पे ईमेल दिखा दूँ कि उसके जो है लोग यहाँ पे जाके, अब वैसा इंसान देखो, ये जो है ब्लॉगर पे अभी, ठीक है, ब्लॉगर के कॉन्टेक्ट फॉर्म से जो है ये आया हुआ है। मैंने इसको वर्डप्रेस पे नहीं लिया बिकॉज मुझे इस पर वर्क करना नहीं था, बस इसका डोमेन रजिस्टर करके मैं रखा था, तो बना के रखा था, ठीक है। तो यहाँ पे दो, यहाँ पे क्या आया था, यहाँ से ईमेल आया मेरे को, तो मैं ईमेल दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो इस बंदे का नाम समझ लो, इसका नाम क्या, ईमेल भेजने वाला का नाम ट्रेविस कैफ, ठीक है, जो कि जाहिर सी बात है ये इंडियन नहीं है, ट्रेविस कैफ जो है इंडियन नहीं है, ओके। और इसका ईमेल भी देखो, एक बिजनेस ईमेल है, lovefruit@protonmail.com करके कुछ है इसका, ठीक है। और यहाँ पे एक देख लो, इसका मेल पढ़ लो, काफ़ी हंसी भी आएगा, हे योर स्पेशल डिस्काउंट हैज अराइव, ठीक है, फाइनली गेट अ प्रीमियम स्मार्ट वॉच ऑन अ बजट, यू विल बी अमेज्ड एट व्हाट दिस स्मार्टफोन कैन डू, एवरीवन इन द US इज टॉकिंग अबाउट द रिवोल्यूशनरी एंड अफोर्डेबल स्मार्ट वॉच। जो बोल क्या रहा ना कि मैं आपको एक स्मार्ट वॉच खरीदने का ऑफर देता हूँ, समझो यहाँ पे एक एजुकेशनल वेबसाइट पे जाके ये बंदा बोल रहा है कि मैं आपको एजुकेशनल वेबसाइट पे गया, पहली बात वो मेरा एजुकेशन से रिलेटेड है, ओके, और उस पर गया, कॉन्टेक्ट फॉर्म में मुझे मैसेज करता है, मुझे मेल करता है कि मैं आपको जो है ना स्मार्ट वॉच खरीदने के लिए आपको मैं ऑफ़र दे रहा हूँ, और ये जो है बहुत ही मतलब स्मार्ट वॉच का थोड़ा सा तारीफ किया कि इस स्मार्ट वॉच को खरीदने के बाद आप आश्चर्यचकित हो जाओगे, क्योंकि इसके बारे में जो है US में बातें काफ़ी हो रही है, ये काफ़ी चर्चित है US में, ये जो स्मार्ट वॉच है कि ये काफ़ी अफोर्डेबल है, मतलब सस्ता वगैरह है, खरीदने के लिए आसान है, और ये रिवोल्यूशनरी है भाई, स्मार्ट वॉच है या फिर जो भी है, ये बताओ इस बंदे को मेरी, और ऊपर से लिंक दे रखा है यहाँ से कि ये जाओ। अब इसको मैं बताता हूँ कि इससे हैकिंग से रिलेटेड कहाँ पे आप लोग बोर हो रहे होगे, नहीं समझ में आ रहा हो जिसको, तो देखो इसने मुझे लिंक सेंड किया, मैं मगर मेरे को अगर इसका ख़रीदना होता, मान लो फिशिंग कहते हैं इसको, फिशिंग डमी वेबसाइट क्रिएट करके वहाँ से फिशिंग करना, मुझे ख़रीदना रहता तो मैं इस लिंक पर क्लिक करता और वहाँ पर जाके कोई भी चीज़ आपको ऑनलाइन परचेस करना है तो जाहिर सी बात आपको साइन अप करना होगा, फर्स्ट टाइम मैं वहाँ पर अकाउंट क्रिएट करता, तो इसको फ़ायदा क्या होता कि मेरे ईमेल पे इसको एक्सेस मिल जाता है, मेरे ईमेल पे ये एक्सेस करना शुरू कर देता, ठीक है। अब ऐसा ईमेल पे एक्सेस करने से क्या होता भाई, इसको मेरी वेबसाइट की सारी जानकारी मिल जाती जिस ईमेल से क्रिएट किया गया है, और इसके साथ में यूट्यूब, उसको लगा कि यूट्यूब चैनल भी इस ईमेल से होगा तो यूट्यूब चैनल को भी एक्सेस कर सकता है, या फिर ईमेल से मैं जो जो भी करता हूँ वो बंदा सारा एक्सेस कर सकता है इजीली। बिकॉज ये जब भी ऐसे होता है ना, फिशिंग में क्या होता है कि लोग फेक वेबसाइट बनाएंगे, वहाँ पे आपका साइन अप करोगे तो सारा डाटा स्टोर होता है उनके होस्टिंग में, ठीक है, सी पैनल वगैरह ये सब नहीं जानते तो समझ लेना, इनकी जो है ये सारा जो है डाटा स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि आप अमेजोन पे पेटीएम पे अकाउंट बनाए हो तो आपका जो वो पासवर्ड वगैरह स्टोर हो जाता है फेसबुक वगैरह पे, ठीक है, तो यही चीज़ है। अब यहाँ से ये एक्सेस करके ये क्या करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं मेरे अकाउंट के साथ। तो आप भी अगर यूट्यूबर हो तो सबसे पहले तो ये मेरे समझ लो, मेरी वेबसाइट की जो ईमेल है वो अलग है, मेरे पास कम से कम 4 से 5 ईमेल है, मेरी यूट्यूब की ईमेल अलग है, अगर ये चाह के भी मेरे यूट्यूब तक एक्सेस नहीं कर पाता क्योंकि वो ईमेल मैं किसी को शेयर ही नहीं करता। अगर आप भी एक यूट्यूबर हो तो वो ईमेल किसी को भूल के भी बिजनेस पर्पस के लिए भी शेयर मत करो, जहाँ से आपको स्पॉन्सरशिप भी मिलता है तो वो ईमेल मत शेयर करो जिससे आप यूट्यूब अकाउंट चला रहे हो,
ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। अदरवाइज बाद में हैक होने के बाद आप लोग जो है ना यूट्यूब पे फैलाते हो कि हैक हो गया, और उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप ही होते हो अगर कोई यूट्यूबर है तो। बिकॉज बड़े बड़े यूट्यूबर्स क्या करते हैं, इसका तो नॉलेज होता नहीं उनके पास, और वो अपना ईमेल तुरंत दे देते हैं किसी को भी, कोई भी लिंक आया वहाँ पे तुरंत स्पॉन्सरशिप के नाम पे आता है तो उनको मतलब बौखलाहट हो जाती है, 4,000-3,000 रुपया मिलेगा, 5,000 मिलेगा, जो भी मिलेगा उसके चक्कर में तुरंत वहाँ जाके साइनअप वगैरह सब कुछ करना शुरू कर देते हैं उस पैसे की वजह से। अगर थोड़ा सा सेंस यूज़ किया जाए तो हम अपना उस ईमेल को बिल्कुल भी कहीं छेड़छाड़ नहीं करेंगे जिससे हम कोई काम कर रहे होते हैं। एक मतलब फालतू का ईमेल क्रिएट कर सकते हो बिजनेस पर्पस के लिए, जिसका कोई और यूज़ नहीं होगा, हम बस बिजनेस पर्पस ही करेंगे। उस पर हम लाख कितना भी साइनअप कर दें कहीं भी फालतू के लिए, तो वो ईमेल पे कोई हैक भी कर ले तो मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने भी वही काम कर रखा है, मेरे पास एक ऐसा ईमेल है जो कि डिस्क्रिप्शन में मैं यूट्यूब के देता हूँ या फिर कोई भी काम करता हूँ बिजनेस पर्पस के लिए तो यूज़ करता हूँ उसको, कि आप लो भाई इस पर अटैक्स करते रहो, मरते रहो, सर फोड़ते रहो, अपना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो वैसा काम आप भी कर सकते हो नेक्स्ट टाइम से, और आप सोच सकते हो यहाँ पे कि एक एजुकेशनल चैनल पे जो कि एयरफोर्स ने भी और इन सब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करा रहा हो, ये बेवकूफ़ इंसान अपना लिंक शेयर करता है तो इसका मेन पर्पस क्या है। और ये जो फर्स्ट मेरे पास नहीं है, मेरे पास देखो अलग अलग लैंग्वेजेस में कुछ अजीब गरीब, मैं वो लैंग्वेज का नाम तो नहीं ले सकता वो लैंग्वेज कौन सी होती है, क्योंकि वो लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आता, अजीब अजीब से डिज़ाइन बनाए हुए रहते हैं कभी कभार, उस टाइप की जो है ना इसी बार बार मेल पे और कभी दूसरे वाले मेल पे जो मैंने यूट्यूब वाले पे दे रखा है उन दोनों मेल पे मिला जुला के हमेशा कुछ ना कुछ ईमेल्स आती रहती है फालतू की, इस तरीके से कि हम आपको स्पॉन्सर दे रहे हैं और उसका लैंग्वेज समझ में कभी कभार नहीं आता। कुछ कुछ ऐसे भी मेल्स आते हैं, मतलब स्पॉन्सर जिसको देना होता है ना वो समझ में आ जाता है कि स्पॉन्सर वाला कौन सा है और कौन नहीं है, ठीक है, पहली बात तो ये। और जिसको स्पॉन्सर देना होता है वो डायरेक्ट अपना लिंक देके ये नहीं बोलता है कि यहाँ पे अकाउंट खरीदिए और यहाँ पे बेचिए खरीदिए, ये जो घड़ी क्या है ना ये कोई काम का नहीं है। सो फाइनली आप समझ गए कि आपको नेक्स्ट टाइम से अपना, अगर आप यूं ही बस अपने प्राइवेट मतलब पर्पस के लिए भी आप ईमेल यूज़ करते हो तो वैसे ईमेल से फालतू की कहीं अकाउंट मत बना दो, उसको एक्सेस मत करने दो डायरेक्ट, कहीं कभी हम ईमेल से डायरेक्ट एक्सेस करते हैं तो वैसा मत करने दो। बिकॉज आजकल ना इन्फॉर्मेशन का इसको आईटी का युग बोलते हो ना, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इसमें हर एक चीज़ आपका डेटा जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अगर आपका डेटा गया तो समझ लो कि आप सब कुछ चला गया। कभी कभार बोलते थे अगर हेल्थ गया तो क्या हुआ, हेल्थ इज वेल्थ, लेकिन आजकल जो है ना आपका हेल्थ इज़ वेल्थ से ठीक है वो भी है, लेकिन इस समय जो आपका इन्फॉर्मेशन इज़ वेल्थ, अगर आपको इन्फॉर्मेशन गया तो आप अच्छी तरीके से लूट सकते हो, तो इस चीज़ से बच के रहना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए इस वीडियो में मैंने काफ़ी आपको बोर कर दिया होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप अवेयर हो गए होगे, आप चाहे यूट्यूबर हो या फिर ना हो, चाहे आप छोटे लेवल के यूट्यूबर हो या फिर बड़े लेवल के यूट्यूबर हो, तो इस तरीके से आप समझ जाओ मुझे उम्मीद है। और मुझे इसको फिशिंग के बारे में और हैकिंग का कुछ नॉलेज है मेरे को, बिकॉज मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इतना प्यार है कि मैं पढ़ते रहता हूँ आज भी और इंप्लीमेंट इधर उधर करते रहता हूँ। बिकॉज आपको पता है कि मुझे, मैंने पहले भी ऑलरेडी मेंशन किया कि मैं वेब डेवलपर और एंड्रॉयड डेवलपर हूँ, तो इसके वजह से इसका नॉलेज मुझे थोड़ा बहुत था हैकिंग वगैरह का, तो मैंने इसमें थोड़ा सा इसको तुरंत इसको पता चल गया कि क्या अगला स्टेप इसका क्या होगा। लेकिन आप जब नहीं होते हो इसका आइडिया नहीं होता है तो जाहिर सी आप फिशिंग जो वो लोग करते हैं तो आप अच्छे से पकड़े जाते हो, ठीक है, तो मतलब ट्रैप्ड हो जाते हो, तो इस चीज़ से बचना मेरी एक आपको राय रहेगी और कुछ नहीं, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।